वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों बिहार में जो अमीन की परीक्षाएं होने वाली हैं उनका एडमिट कार्ड दोस्तों जल्द ही आने की संभावना है। परीक्षाएं 15 और 16 फरवरी को दोस्तों होने वाली है। दोस्तों उससे पहले आपके पास जितना भी समय है आप उस समय का सही फायदा उठाते हुए आप रिविजन पर अपने ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम जरूर होंगी। इसके लिए आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम आपको लगातार अमीन के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको काफ़ी वीडियो दिया है। दोस्तों हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अमीन की सारी वीडियो साथ में मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक दोस्तों देशांतरी विस्तार है। दोस्तों ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। दोस्तों बिहार की आकृति की बात की जाए तो बिहार का जो आकृति है वो आयताकार में, यानी कुछ इस प्रकार से बिहार का जो आकृति है वो कुछ आयताकार क्षेत्रफल में है। बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग मीटर। 94,163 वर्ग मीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात की जाए इस तरह से, तो बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ वो है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात की जाए, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि अगर ऐसे चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो इसकी चौड़ाई पूरी है 443 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात की जाए बिहार की, तो जो बिहार का औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 52.73 मीटर। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों से या कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो बिहार से उत्तर में नेपाल दोस्तों है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। दोस्तों जो उत्तर में नेपाल से 7 जिले सीमा बनाती हैं, और दक्षिण में झारखंड से 9 जिले सीमा स्पर्श करती हैं। पूर्व में इसके पश्चिम बंगाल है जहाँ पर 3 जिले इसके स्पर्श करते हैं, और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जहाँ पर इसके 7 जिले दोस्तों स्पर्श करते हैं। तो ये इसका दोस्तों पूरा हो गया कि कौन सी सीमाएं कहां पर स्पर्श करती हैं। बात की जाए कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। बिहार में औसत वर्षा की बात की जाए तो 112 सेंटीमीटर बिहार में औसत वर्षा होती है। बिहार में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो है 56,94,642 हेक्टेयर, जो कि 68.48% है, यानी कि वहाँ पर जो कृषि वाली भूमि है जिस पर खेती होती है। अगला दिया कि गैर कृषि कार्यों में जो लगी भूमि है वो है 16,35,467 हेक्टेयर, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 17.37% जो यहाँ पर है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हुई भूमि है। अगला बात करें ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि, यानी कि जिसे हम बंजर भूमि भी कह सकते हैं, तो यह है 4,36,513। ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो 4,36,503 हेक्टेयर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 4.64% है। स्थाई चारागाह की बात की जाए तो 18,356 हेक्टेयर जो है वो स्थाई चारागाह की भूमि है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 0.19% है। और बात करें कि विविध पेड़ व बगीचा के लिए कितनी भूमि है, तो इसके लिए 2,30,286 हेक्टेयर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.45% है। बिहार में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो 64.41 लाख हेक्टेयर दोस्तों कुल यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। दोस्तों बिहार की संरचना की बात की जाए तो बिहार की संरचना की बात करें तो जो धारवाड़ चट्टान है कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो जो धारवाड़ चट्टान है वो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। जो विंध्य समूह की चट्टानें हैं वो कैमूर और रोहतास में हैं। टर्सियरी चट्टानें जो हैं वो पश्चिमी चंपारण में दोस्तों हैं। और बात करें कि जो क्वार्टरनरी काल की चट्टानें हैं वो गंगा के मैदानी भागों में दोस्तों प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों बिहार में अगर वन की बात की जाए तो बिहार में वन की जो कुल भौगोलिक स्थिति है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर वन। कुल वन क्षेत्र है 7,288 स्क्वायर मीटर जो बिहार में वन का है। और वन के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7.74% जो है बिहार में वन का क्षेत्रफल है कुल। अति सघन वन क्षेत्र की बात की जाए तो अति सघन वन क्षेत्र है 248 स्क्वायर किलोमीटर। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र जो है वो है 3,208.47 स्क्वायर किलोमीटर। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र कितना है 76.3 स्क्वायर किलोमीटर जो है वहाँ पर राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र है। बिहार में बात करें कि जो राष्ट्रीय पार्क की संख्या है, तो बिहार में एक राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नगर में है।
वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो बिहार में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य पर आपको एक वीडियो पूरा डिटेल में बना देंगे। बिहार में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो कैमूर और पश्चिमी चंपारण में दोस्तों है। बिहार में जो न्यूनतम क्षेत्रफल न्यूनतम क्षेत्र वाले जो जिले हैं वन क्षेत्र वाले, तो बिहार में जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो शिवहर और शेखपुरा हैं। बिहार में दोस्तों वन दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन व शुष्क पर्णपाती वन। तो इन दोनों प्रकार का नाम आपको याद रखना है। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर शीशम, सेलम और साल और खैर वृक्ष प्रमुख रूप से होते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन की बात की जाए तो यहाँ पर महुआ, आम, कटहल और जामुन के प्रमुख वृक्ष होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है इसकी दोस्तों बेसिक जानकारी मिल गई। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको वहाँ की जो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है उस पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड आता है हम आपको जरूर खबर देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।